हेलो एवरीवन वेलकम टू गेट अकेडमी तो मेरे को लगा कि जैसा आपका गेट का एग्जाम एग्जाम्पस आप देने जा ही रहे हो तो लिखा हुआ हाउ टू यूज रफ सीट इन गेट टू जीरो टू जीरो तो अगर आप गेट का पेपर देने जा रहे हो तो मेरे को लगता है कि आपको गुड आइडिया होगा कि आपको रफ सीट मिलेगा जो हमको सॉल्व करने के लिए मिलता है तो मेरे को लगा कि थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि अभी आपके पास टेन डेज़ है कुछ लोगों के पास ट्वेल्ल डेज है ऐसा करके एग्जाम का टाइम बचा हुआ है तो जो टेन डेज़ का आपके पास लगभग टाइम बचा हुआ तो, तो मेरे को लगता है कि इन टेन डेज़ में क्या करना चाहिए इन टेन डेज़ में एग्जैक्टली वैसे ही हमको ट्राई करना चाहिए जैसे जैसे हम अपने गेट के पेपर में अपना हमारा जो एग्ज़ाम देने वाले हैं क्योंकि मेरे को लगता है कि देखो एक तो टाइम फॉलो करना चाहिए कि एग्जैक्टली जिस टाइम पे आपका गेट का पेपर है उसी टाइम पे आपको लगभग मैक्सिमम मॉक टेस्ट पेपर देना चाहिए सेकेंड चीज़ है कि जो रफ सीट वाला जो पार्ट होता है देखो जैसे मेरे पास एक आई का ये आपके पास है डेस्क डेस्क नोट करके है लगभग इसी साइज का लगभग इसी साइज का आपको एक मिलेगा और ये मार्केट से आप आईटीसी का मिल जाएगा आपको किसी भी किसी भी सिटी में रहते हो आप मेरे को लगता है कि ये कॉन्फ्रेंस जो पैड रहता है मिल जाएगा लगभग गेट के एग्जाम में आपको ऐसा आएगा ये जो साइज रहता है ये एट का साइज़ होता है लगभग और ये सिक्स का होता है ऐसा ये तो एट बाई सिक्स का साइज आपके पास अगर बोलूँ तो ऐसा साइज आपके पास होगा और ऐसे ब्लैंक पेजेस आपके पास रहेंगे और आपको ये दिया जाएगा एग्जाम के दिन तो आपको सॉल्व करना रहता है तो मेरे को लगता है कि अभी लास्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रिपरेशन तो कर चुके हैं ठीक है अब अपना रिवीजन कर रहे होंगे रिवीजन करते समय भी क्या करना चाहिए तो मेरे को लगता है कि ये कुछ नंबर ऑफ़ सीट ऐसे ऐसे परचेस कर लो मार्केट से जाके और तो हो सकता है कि एक्जैक्टली एट बाई का नाम मिले थोड़ा बहुत कुछ डेविएशन मिल जाए चलेगा लेकिन मेरे को लगता है कि अभी लास्ट लास्ट मोमेंट पर आपको ना अभी रफ ना इसी सीट में करना चाहिए क्योंकि कई लोगों का जो आप लेटर लिखते हो कुछ लोगों का स्मॉल साइज लेटर ले है कुछ लोगों का बिग साइज़ लेटर रहता है तो ये आपको आइडिया रहेगा कि एग्जाम में क्या होने वाला है एग्जाम में क्या होने वाला है आपको आइडिया रहेगा लगभग 24 पेजेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एक बार कंफर्म कर लेना कि आपको एक्स्ट्रा सीट की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको दिया जाएगा कि नहीं पहले कन्फर्म कर लेना कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर से ऑर्डर होते हैं कि देना है लेकिन कई बार किसी सेंटर में लोग बोलते थे नहीं दिया जाएगा तो जस्ट कल क्लियर कर लेना क्योंकि अगर आप क्लियर कर लिए पहले से एग्जाम एग्जामिनेशन जो आप एग्जाम दोगे एग्जामेशन हॉल में तो आप पहले से अगर क्लियर कर लिए कि आपको एक एक्स्ट्रा सीट दिया जाएगा तो ठीक है नहीं दिया जाएगा तो फिर आपको इतने ही ट्वेंटी सीट्स में आपको कवर करना है तो मेरे को लगता है कि जब भी आप अपना घर में जब आप रिवाइज कर रहे होंगे और जब मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो मैं चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट पेपर इसी इसी पैड के साथ दिया जाए और वर्चुअल कैलकुलेटर के साथ दिया जाए एकदम एग्जैक्टली एग्जाम के पैटर्न को फॉलो किया जाए अगर आप दस मॉक टेस्ट पेपर भी देते तो भी मेरे को लगता है कि ये इसको मैं गुड बोल सकता हूँ दस मॉक टेस्ट पेपर तो सभी को देना चाहिए अगर आप दस से ज़्यादा देते तो ये आपके पास गुड आपके लिए एडवांटेज है कि आप ज़्यादा दे रहे हो तो आपको ज़्यादा और फायदा हो जाएगा लेकिन मिनिमम दस सबको देना चाहिए लास्ट मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है अभी आप नए चीज़ों पर बिलीव मत करो कि नया चीज़ क्या पढ़ना है बस ये बिलीव करो कि जो आपको आता है आप अपने से बेटर निकालो आपका जो रिजल्ट है जितना भी आपको आता है उसमें से आप बेटर निकालो क्योंकि जितना आपको आता है एक्जैक्टली अगर आप उतनी चीज़ों को बाहर निकाल पाए एक्जैक्टली एग्जाम में उतना परफॉर्म कर पाए तो आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आपको 50 नंबर का आता था और आप 50 में से 45 लेके आ गए इज गुड मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक स्टूडेंट सत्तर नंबर ला ला सकता है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ लेकिन आपको अगर फिफ्टी मार्क्स का आता था तो फोर्टी फाइव आपको आना चाहिए तो इसका मतलब है कि आपका परफॉर्मेंस बड़ा गुड रहा है क्योंकि आपको जितना आता था उतना आप एग्जाम में परफॉर्म किया मैक्सिमम लोग एग्जाम में उतना परफॉर्म नहीं कर पाते जितना उनको आता है तो किसी को जितना आता होता है उसको परफॉर्म करना चाहिए अब आपको कोई बोलेगा कि सर इसको कैसे यूज करना चाहिए तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये जो आपके पास है इस वाले को ऐसे दो तरीके से यूज़ किया जा सकता है क्योंकि वर्टिकल साइज़ ज़्यादा होता है ऐसे दो तरीके से यूज किया जा सकता है बोला पहला आपके पास ये है कि इसको अगर मैं बोलूँ किसी को तो कोई ऐसा भी कर सकता है कि इस वाले पोर्सन को कुछ लोग ऐसा वर्टिकल लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं कुछ लोग ऐसा लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं तो दो तरीका है कि आप ऐसा इसको ऐसे फोर पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लो जो लोग स्मॉल साइज लेटर लिखते हैं या फिर कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा करके इसको ऐसे फोर में डिवाइड कर सकते हैं तो ये फोर में डिवाइड करने वाली बात है कि आप यहाँ लिख लिए यहाँ लिख लिए यहाँ लिख लिए यहाँ लिख लिए या फिर आप ऐसा लिख लिए आगे अगर लिखना पसंद करते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है तो आपको पहले से स्टाइल फॉलो करना पड़ेगा जो लोग स्मॉल साइज लेटर लिखते हैं बट अगर कुछ लोग अगर बिग साइज लेटर अगर यूज करते हैं तो मेरे को लगता है कि फिर उनको टू पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए टू पार्ट्स मतलब एक्जैक्टली ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए वन और टू तो, इसमें आपके पास परफॉर्म करना चाहिए तो क्या होता है इतनी बड़ी बात नहीं है लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि छोटी छोटी जो डिटेलिंग होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और छोटी छोटी जो डिटेलिंग रहती है इसके कारण लोगों का जो मार्क्स होता है वो वेरी करता है तो आप ये दोनों में से कोई भी स्कीम यूज कर सकते हो ऐसा करके आपको करना चाहिए तो इससे थोड़ा सा फास्ट होगा कैलकुलेशन लेकिन आप डायरेक्ट एग्जाम में करोगे इस पैड को जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो अगर ये आपको रफ सीट जो स्क्रिबल पैडल जो पैड होता है अगर इसको आप एग्जाम में डायरेक्ट यूज करोगे तो फिर ना थोड़ा सा इरिटेशन होगा क्योंकि आप इसको बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया बिग साइज रफ कॉपी यूज करते थे अपने मॉक टेस्ट पेपर में घर में तो फिर आपको ये स्मॉल साइज बहुत लगेगा तो आप मैं बोलता हूँ कि लास्ट के टेन डेज तो इसी में होना चाहिए मार्केट से परचेस करके ला लो कुछ ज़्यादा कोई कॉस्ट तो होती नहीं है लेकिन मार्केट से परचेस करके ला लो प्रैक्टिस में रहो एकदम एकदम प्रैक्टिस में रहो सेकंड चीज़ है इसको यूज करने का क्या क्योंकि लगभग ऐसे ही रहेगा तो मैं चाहता हूँ कि जब आप इसको यूज करोगे तो कैसे यूज़ करोगे आप ऐसे यूज कर सकते हो कि आप इस वाले पेज में लिखे पहले उसके बाद आप वापस जाके ना पीछे मत लिखो आप इसमें लिखो उसके बाद फिर आप इसमें लिखो इसका मतलब है आप एक ही साइज में ऐसे लिखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ एक ही साइज में इससे होगा क्या कि सब ना कुछ भी आपको डाउट नहीं आएगा आप आगे बढ़ते जाओगे एग्जैक्टली आप ऐसे आगे बढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ बैक साइड में मत लिखो जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो इसको पलट लो और पलटने के बाद क्या करो फिर बैक साइड में जो बचा उसको ऑर्डर्स लिखता जाओ तो इसमें टाइम बचेगा बार बार आपको पलटना नहीं पड़ेगा मैं इसलिए बोला छोटी डिटेलिंग है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप इसको कैसे यूज करते हो तो अभी लास्ट के टेन डेज में कोई भी प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर यूज नहीं करना चाहिए ऐसा मेरे को लगता है आपको सिर्फ वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना चाहिए आपको सिर्फ ये जो रब सीड है जो मैं बोला जो पैड आपको यूज करना यही आपको यूज करना चाहिए आपको मॉक टेस्ट पेपर ना मॉक टेस्ट पेपर का जो टाइमिंग है वो आपको लगभग वो रखना चाहिए जो आपके एग्जाम का टाइम होगा उससे क्या होता है सोच जो जो हमारा जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है बड़ा कनेक्टेड होता है ऐसा नहीं कि सबके लिए काम करता सब चीज लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए काम कर जाता है तो मैं बोल रहा आपका टाइमिंग आप देख लो उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल चेंज कर लो लास्ट के दस दिन का पता चला कि आपका मॉर्निंग में पेपर है और आप रात भर जगने की आदत है क्योंकि छह महीने से आप ऐसा कर रहे हो तो फिर क्या होगा कि आप रात में ट्राई करोगे तो भी नींद नहीं आएगी उससे होगा क्या कि मॉर्निंग में आपकी क्रिएटिविटी कम हो जाएगी और मॉर्निंग में अगर क्रिएटिविटी कम हो गई तो आपको कनेक्शन नहीं दिख पाएगा और आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है करके समझ आ समझा मैं क्या बोल रहा हूं फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका मॉर्निंग में पेपर है और आपको कितना भी रात में जगने की आदत है तो आप चेंज करो आप चेंज ऐसा करो कि 10 बजे सो जाओ सुबह उठो सुबह एक घंटा तो आपको, आपको या दो घंटा अपने आप को मैनेज करने में लगता है कुछ लोग सोने के जस्ट उठने के बाद पांच मिनट में रेडी हो जाते ब्रश व्रश करते पानी डालते और दस मिनट में रेडी हो जाते चाय वाय पढ़ने बैठ जाते कुछ लोगों को आधा एक घंटा लगता है अपने आप को थोड़ा सा गुड uh, फॉर्म में लाने में कई लोग आधा एक घंटा लग जाता है तो आपको देखना होगा कि आप किस टाइप अपने आप को कैसे लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग एक एग्जाम का जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करो कि एग्जाम का मेरा पेपर इतने बजे है तो मेरे को रात में इतने बजे सो जाना चाहिए एक दो दिन थोड़ा सा टफ जाएगा लेकिन जब जैसे प्रैक्टिस बनेगी एक और एक इंजीनियर एक स्मार्ट अप्रोच के साथ जीना चाहिए लाइफ में तो आपको पता है कि आपका अगर मॉर्निंग को पेपर है तो आप आराम से उस वे में जाइए कि सुबह आप आपको लगता है कि एक घंटा आपको लगता है रेडी होने में तो आप दो तीन घंटे पहले उठिए उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर दीजिए यही एग्जामिनेशन में आप देख लेंगे कि आपका जो सेंटर है वो घर से कितने डिस्टेंस पे मैं तो बोलता हूँ कि लोगों को सेंटर भी जाकर एक बार विजिट कर लेना चाहिए मतलब लास्ट दिन ऐसा नहीं हो रहा कि लास्ट दिन आप ढूंढ रहे हो सेंटर और लोगों से पूछ रहे हो तो मैं तो बोलता हूँ कि एक स्मार्ट एक इंजीनियर स्टूडेंट्स को तो हर 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 पूरे पैरामीटर्स को चेक कर लेना चाहिए उसको जाके एक बार सेंटर विजिट कर लेना चाहिए उसको देखना चाहिए कि आ, किस समय थोड़ा सा क्राउड रहता है जिससे उसको टाइम लगेगा जितना उसको टाइम लगा उससे डबल टाइम्स को कैलकुलेट करके रखना चाहिए जिससे कि एग्जामिनेशन हॉल में वो समय पे पहुंच सके कई बार सिटी में दूर दूर जगह पर रहता है और कई बार लोग हड़बड़ाना चालू करते हैं और जब आप ज़्यादा वरी करते हो तो कंसेप्ट जो होता है ना जो क्रिएटिविटी होती है वो डाउन होती है तो आप अगर बहुत सेटल्ड फॉर्म में किसी एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच गए तो बड़ा बड़ा अच्छा होता है तो ये बेसिक जो चीजें तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने सेंटर में एक बार विजिट कर लेना चाहिए आपको इतना करना चाहिए किसी को लग सकता है सर मेरा टाइम वेस्ट होगा नहीं टाइम वेस्ट नहीं होगा एक बार विजिट करने में क्या जाता है एग्जाम के पहले विजिट कर लेना थोड़े से पैरामीटर्स नोट कर लेना कि हाँ ठीक है मेरे को इतना टाइम लगेगा डबल टाइम लेके चलना अपने लास्ट लास्ट जो एग्जाम का टाइम जो चल रहा है उसमें आप वर्चुअल कैलकुटर यूज करो कितना भी आपका मन करे प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर यूज करेगा मत करना क्योंकि एग्जाम में वर्चुअल कैलकुलेटर रहेगा लास्ट क्लास में मैं बोल रहा हूँ कि इस पैड को यूज करेंगे लास्ट क्लास में आप सीबीटी के एग्जाम सीबीटी का ट्राई कीजिएगा जो सेंटर बेस्ट टेस्ट होगा मैडे और एस एकेडमी का स्पेशली मेडीजी वाला ज़्यादा ले रहा होगा तो सीबीटी टेस्ट का प्लान कीजिएगा गेट अकेडमी का ओपन टेस्ट हो रहा होगा उसको दीजिएगा ऐसा करके लास्ट का जो लास्ट क्लास का जो टाइम होता है इसको बहुत बेटर वे में यूज करना चाहिए लास्ट क्लास का टाइम जो होता है बड़ा डोमिनेटिंग टाइम होता है इस समय में आपका माइंड सेटअप कैसा रहता है इस बात पर डिपेंड करता है तो आप अपने आप को बस गुड फॉर्म में मैनेज करें मैं हमेशा बोलता हूँ कि एग्जुकेशन uh, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बड़े बड़े लोग बड़े 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 स्मार्ट लोग बहुत ज्यादा कैलिबर वाले लोग लास्ट मोमेंट पर हड़बड़ाते हैं मतलब बहुत सारे लोग हम जैसे लोग मैं मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ा आस बड़ा आसान होता है कि आ, मतलब हम बोलते नहीं है कई बार लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़ा आसान होता है कि बड़ा इजीली हम रह रहे अगर मेरे को अगर कोई बोल दे कि 500 सौ लोग की क्लास है तो ठीक है मैं इतने साल से एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा तो भी शुरू के पाँच मिनट मेरे को लगता है थोड़ा एडजस्ट होने में कि चलो ठीक है गुड है सब लोग सुनने वाले हैं चलो एक गुड माइंड सेटअप होना चाहिए जब कितने साल से पढ़ा रहा हूँ उसके बाद भी तो मैं बोल रहा हूँ कि सबके साथ सबके साथ एक बेसिक प्रॉब्लम होती है तो अपने को उस उन चीज़ों को ओवरकम करना है उन चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना है तो मैं बोल रहा हूँ कि चेकलिस्ट बना लो आप आपके पास एक चेक लिस्ट होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि लास्ट के सेवन डेज में क्या क्या करना है एडमिट कार्ड अभी आपका आ गया होगा एडमिट कार्ड चेक कर लो सेंटर चेक कर लो पूरा प्रॉपर वे में पूरी चीज़ों को देख लो बोला तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारा कुछ परचेस कर लो मार्केट से आई का मेरे पास जो हाथ में वो आई का है ये डेस्क नोट के नाम डेस्क नोट के नाम से ऐसा दिख रहा है मेरे पास और ये गुड है एग्जेक्टली exactly यही साइज रहता है एडवाइस सिक्स का यही वाला साइज रहता है थोड़ा बहुत साइज वेरी करेगा और कोई कंपनी भी चलेगा लेकिन लगभग इस पैड में आप नेक्स्ट जो एट डेज टेन डेज जितने भी बचे उसमें आप अपना करेंगे और अभी से डिसाइड कर लेंगे कि आपको किस में कंफर्टेबल है चार पार्ट में डिवाइड करना ऐसे चार पार्ट में डिवाइड करना कि टू पार्ट में डिवाइड करना और अपना अपने अकॉर्डिंग बाकी लोग क्या करते हैं मैटर नहीं करता है तो आपकी प्लानिंग इतनी गुड होना चाहिए कि आप जब गेट का पेपर स्टार्ट करेंगे तो आपको पहले से पता है कि आप क्या करने वाले आपको पहले से पता है कि आप वर्चुअल कैलकुलेटर को कितने अच्छे से यूज करते तो अभी ना अभी लास्ट में ना कंटेंट पढ़ने की बात नहीं है अभी लास्ट में अपने माइंड सेटअप को पढ़ने की बात है अभी मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि पचास नंबर वाला सत्तर नंबर ला लेगा नहीं अपने को पचास नंबर का अगर आता तो अपने को फोर्टी आना चाहिए अपना ऑब्जेक्टिव है आपको ट्राई करना है कि अप टू तो फिफ्टी मार्क्स तक अपन लाए मैक्सिमम किसी को अगर बहुत अच्छा आता है एट्टी मार्क्स का आता है तो उसको ट्राई करना है कि उसका माइनस मार्किंग ना हो उसका सेवेंटी फाइव से लेकर एट्टी मार्क्स के आसपास आए उसके साथ ट्राई करना है तो अभी सब लोगों को अपना बेस्ट इनपुट देना है अभी लास्ट में कोई वरी ना करे कि मेरा मॉक टेस्ट में बीस नंबर आ गया मेरा मॉक टेस्ट में तीस नंबर आ गया क्या फर्क पड़ता है अभी अभी मतलब अभी आप अभी आप ना कुछ भी हो रहा हो लेकिन आप ना अपने आप को डिमोटिवेट या डाउन नहीं कर सकते कुछ भी मार्क्स आ रहा हो अब क्या करेंगे मतलब टेन डेज बचाए अभी आपको क्या लगता है कि क्या करेंगे तो आ, कई बार ऐसा होता है कि कोई अगर अपनी प्रिपरेशन कर रहा है अब मैं को ये बताओ कि ए, हमको पता है कि कई बार हम जब बड़े लेवल पे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते जो लोग या स्पोर्ट्स खेलते तो कई बार कई बार इतना अच्छा फेवर में हमारे नहीं जाता तो ठीक है इट्स ओके हर बार चीज़ों को एकदम ही उस वे में लेके चलना कि यार मेरे साथ कैसे अच्छा नहीं होगा अच्छा नहीं होगा इतना प्रेशर बढ़ाने की जरूरत नहीं है कई बार हमको चीज़ों के साथ जाना चाहिए अभी हमारे पास टेन डेज बचे हैं तो अभी हमको अपना बेस्ट इनपुट देना चाहिए बेस्ट एफर्ट देना चाहिए और बाकी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए भूल जाना चाहिए कि मैं लाइफ में अच्छा करूंगा नहीं करूंगा एग्जाम में मेरा अच्छा होगा नहीं होगा अभी मेरे मेरे को छोटे-छोटे डिटेलिंग पे काम करना चाहिए कि मेरे पास ये होना चाहिए वर्चुअल कैलकुलेटर होना चाहिए मेरे एग्जाम का जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग से कुछ चेंज नहीं होगा लेकिन बिग डिफरेंस होता है टेन मार्क्स का डिफरेंस अभी मेरे को लास्ट मोमेंट पे ये देखना चाहिए कि मेरे को जो आता है वो सही डायरेक्शन में बने मेरा रिवीजन बहुत होना चाहिए अभी मैं किसी को बोलूं कि लास्ट टेन डेज में क्या होना चाहिए तो गजब का रिवीजन होना चाहिए बार बार आपको नोट्स अभी एक बार सब्जेक्ट रेडी होता है तो और जब बार बार आप पलटाते हो ना तो बड़ा स्ट्रॉन्ग होते जाता सब्जेक। है सब्जेक्ट फिर पलटाए फिर पलटाए तो आप आप टेबल पे बैठे हो और आपके दो तीन चार सब्जेक्टों से डेली पलटना चाहिए तो आपका रिवीजन मोड बड़ा डोमिनेटिंग होना चाहिए लास्ट क्लास में क्योंकि क्या होता है इतने सारे सब्जेक्ट इतने सारे टॉपिक इतने सारे कंसेप्ट क्लिक नहीं करते याद नहीं आते एग्जाम के दिन वो कब याद आएंगे जब आप बार बार लिखते रहोगे बार बार सोचते रहोगे वो पूरे देर पूरे दिन भर पंद्रह घंटे टेक्निकल बने रहोगे ठीक है और वो भी वो भी उस मूड से कि ठीक है चल, चल, मैं अपना बेस्ट इनपुट दे रहा हूं जो होगा देखा जाएगा अब गेट का पेपर तो गेट का पेपर है देखेंगे अपन तो अभी टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आना ये आना ये सब चीजों को इग्नोर करो अभी अपना बेस्ट निकालने का ट्राई करो बेस्ट देने का ट्राई करो और लास्ट के टेन डेज में इधर उधर मत होना चाहे कुछ भी हो जाए कोई बोल रहा है मेरा सत्तर नंबर आ रहा है भाई मेरा तो सत्तर आ रहा है अस्सी आ ही नहीं रहा और अपन सोच रहे कि मेरा तो चालीस भी नहीं आ रहा है लोग सत्तर के लिए परेशान हैं ऐसे करके व्यक्ति डिमोटिवेट होता है दूसरे को देख के कि वो सत्तर नहीं आ रहा है इसलिए वो परेशान है कि मेरा सिर्फ सेवेंटी आ रहा है और यार एट्टी तो आ ही नहीं रहा है अपन परेशान इसलिए कि वो अपना चालीस ही टच नहीं कर रहा है तो ऐसे लोगों को सुन के भी कई बार हम थोड़ा सा डाउन फील करते हैं नीड नहीं है हम हम जो है वो है हमको क्या करना कि कौन क्या है हमारी जिंदगी तो कोई डिसाइड नहीं करेगा कोई अगर लाइफ में अच्छा कर लेगा तो हमारे लिए तो कुछ प्लस होगा नहीं कोई लाइफ में ख़राब कर लेगा तो हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी ऐसा भी नहीं तो किसी का अच्छा करना या ना करना हमारी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता हमारी लाइफ को हम डिसाइड करेंगे कि हम अच्छा करना चाहते तो हम अच्छा करेंगे नहीं करना चाहते तो नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ हम डिसाइड करेंगे इसलिए किसी का मार्क्स कम आ रहा हमसे तो भी कोई मैटर नहीं करता है हमसे बहुत सारे लोगों का मार्क्स ज़्यादा आ रहा तो भी मैटर नहीं करता क्योंकि वो उनकी लाइफ है हमारी अपनी लाइफ है हम हमने लाइफ को केयर करेंगे तो मैं चाहता हूं कि अब इतने दिन से मेरे को फॉलो कर रहे थे दिन से मेरी बात सुन रहे हो तो अभी लास्ट क्लास का जो टाइम है जिसमें कि ना कुछ दूसरी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है सबको इग्नोर करो पूरा फोकस करो गेट के एग्जाम में और छोटी डिटेलिंग के साथ लास्ट में और एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये मार्केट से मिल जाएगा अच्छा खासा परचेस करके रख लो ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुद खत्म हो गया अच्छा खासा रख लो बोला फिर आप वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करोगे इसकी प्लानिंग भी बता दी इसको कैसे यूज करना है लास्ट में आप मॉक टेस्ट पेपर का जो टाइमिंग है आपके गेट के एग्जाम का टाइमिंग रहना चाहिए सीबीटी ट्राई करो कि दो टू थ्री सी अगर आप दे सको अगर हो सकता है कि आपके सिटी में अवेलेबल हो अगर आपके सिटी में अवेलेबल ना हो तो बहुत ज़्यादा आप टाइम वेस्ट ना करें सिर्फ सीबीटी के लिए कि चार पाँच घंटे जाके सीबीटी दे रहे हो अगर आपको लगता है कि आपके सिटी में है और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा तो सीबीटी ज़रूर दीजिएगा क्योंकि मैं मानता हूँ कि एक सेंटर पर टेस्ट देने से थोड़ा सा गुड फील होता है लेकिन अगर छः घंटे लग रहे हैं आपको आने जाने में और आप सीबीटी टेस्ट देना चाहते हो तो मैं मैं बोलूँगा इग्नोर करो क्योंकि लास्ट का टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है कि कोई सीबीटी नहीं देगा तो उसका नहीं होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बट सीबीटी एक प्लस पॉइंट है कि आप दे दिए तो आपका आइडिया हो गया पहले एक जमाने में तो सीबीटी टेस्ट भी नहीं होता था किसी का तो भी लोग अच्छा करते थे इसलिए इससे कोई मैटर नहीं करता है आपको अपने टाइम को यूज करना है लास्ट के टेन डेज में पूरा तरीके से अपना बार बार रिविजन करना है स्मार्टली यूज करना है किन चीजों पर फोकस करना है कि इंजीनियर को पता होता है गेट के कौन से पैरामीटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, है उसको पता होता है कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करना उसको पता होता है उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या उसको पता होता है उसका वीक जोन क्या है उसको वो भी पता होता है तो लास्ट के टेन डेज में अपना फेवरेट अपना वीक जोन सबका जो मिक्स कॉम्बिनेशन है वो बड़ा गुड रखना चाहिए ठीक है तो मेरे को जस्ट लगा ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपके पास एग्जाम आने वाला है तो आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टाइम की, आपका टाइम आप इधर उधर नहीं दे सकते तो मैं जैसे अपनी बातों को इतने में एंड करता हूँ आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट इतने पूरे वन ईयर में हम इतना सारा कंटेंट दिए इतना सारा प्रोवाइड किए तो आप अपने एग्जाम को अच्छे से दीजिएगा कोई भी आपका ब्रांच हो अपना बेस्ट आपका इनपुट दीजिएगा मेरे अगर लाइफ में एक ही चीज़ सीखे होंगे तो अपना सिर्फ बेस्ट इनपुट देना और भूल जाना है कि रिजल्ट क्या होने वाला है ऐसा ऐसा सोच से ना जिंदगी में फेलियर नहीं होंगे मेरा एक मेन ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि अपने को जिंदगी में फेलियर नहीं होना है किसी एग्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो अपना बेस्ट इनपुट देना है अगर हम बेस्ट इनपुट देते तो जिंदगी में फेलियर के चांसेस मिनिमम हो जाते चाहे अभी प्रेजेंट में हमारा कितना भी अच्छा हो या ना हो इसलिए आप सभी लोग मेरी इस बात को फॉलो करेंगे कि लास्ट के टेन डेज है अपना जितना बेस्ट इनपुट दे सकते हो अंदर से गिल्टी फील नहीं होना चाहिए कि मैं अपना बेस्ट इनपुट नहीं दिया यार या मैं अपना टाइम वेस्ट किया ऐसी गिल्टी फीलिंग नहीं होना चाहिए बस बाकी तो सब कंसरेबल है ठीक है तो चलो गेट के एग्जाम के बाद मिलते हैं और अगर एक आधी वीडियो और बनाना रहेगा तो मैं एक आधी वीडियो और भी बना दूंगा तो आप इंजॉय करते रहिए टेक्निकली बनी रहिए और बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिएगा मेंटली स्ट्रांग होकर अपने गेट का पेपर दीजिए बेस्ट फॉर्म में बेस्ट इनपुट के साथ तो आप सभी लोगों को गेट टू जीरो टू जीरो के लिए ऑल द बेस्ट ठीक है ओके थैंक यू